सेगांव से 5 किलोमीटर दूरी पर पंचायत खामखेड़ा में भिखारखेड़ी तालाब के क्षेत्र में हुई तेज बरसात से तालाब लबालब हो गया है। करीब 9 मीटर पानी आने से किसानों के चेहरे पर पिछले 6 वर्षों बाद खुशी लौटी है। नगर के एक किसान राजेंद्र सिंह मंडलोई ने बताया कि सन 1980 में कांग्रेस शासन में तालाब का निर्माण हुआ था। तालाब के भरने से किसानों की गेहूं की फसल निर्भर करती है। पिछले कई वर्षों से जल संकट के क्षेत्रवासी परेशान थे, लेकिन इस बार इंद्र देवता की कृपा से अच्छी बारिश हुई है। वहीं भिखारखेड़ी तालाब में भरने से किसानों के चेहरे पर कई वर्षों बाद रौनक लौटी है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये तालाब भिखारखेड़ी आप देखने आए, कितना पानी इसमें? इसमें एस्टीवर चालू हो गया, करीब 9 मीटर है पानी इसमें अभी। ये कितने वर्षों बाद तालाब फुल हुआ है? 5-6 साल बाद फुल हुआ ये पानी। क्या ये पानी आने से किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि 5-6 साल से सेगांव क्षेत्र में गेहूं की फसल की पैदावार कहीं नहीं हो रही थी। क्या नाम लिखते हैं? हिराल पाटीदार। भिखारखेड़ी तालाब में पानी 9 मीटर आ गया, इससे क्या फायदा होगा किसानों का? अभी क्या कि गत वर्ष सेगांव तहसील में 2 साल से लगातार सूखा था और किसानों की हालत बहुत दयनीय थी, और इस बार इंद्रदेव की कृपा रही तो हमारा जो भिखारखेड़ी तालाब जो करीब 30-40 वर्ष पुराना जो तालाब है, 42 साल हो गया इसको, और आज की स्थिति में जो तालाब है उसकी कैपेसिटी के अनुसार पूर्ण भर गया है, और किसानों को गेहूं चने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, ऐसी हमको आशा है। क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र सिंह मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।